हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल या वेलकम बैक टू आवर चैनल. व्हाट शुड वी से, हमें क्या कहना चाहिए? वेलकम बैक टू आवर चैनल. वी आर वेरी मच ओब्लाइज्ड या फिर फील ऑनर्ड दैट यू केम बैक अगेन टू वॉच आवर वीडियोस. एंड चक्कू चेंज करना ही पड़ेगा, मजे वाली बात नहीं रही. वैसे ये चक्कू नहीं, ये ब्लेड है. और ये भी मुझे लग रहा है ख़त्म हो गया, पर चलो कोई बात नहीं. बड़े बड़े चैनलों पे छोटी छोटी बात होती रहती है सेनोरिटा. अपना चैनल भी तो बड़ा ही हो रहा है. वी आर ग्रोइंग एक्चुअली डे बाय डे. एंड ग्रोथ से याद है, इंडिया इज ऑल्सो ग्रोइंग. तो आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेशन. भारत मंडपम के बाद अभी वो कौन सा नया वो बनाया ना, देखो जब तक ये वीडियो रिलीज होगी आई डो नॉट नो कि कब ये वीडियो रिलीज हो कब नहीं, पर हाँ फिर भी मैं अपनी तरफ से एक आधी कोई नई चीज़ पेश कर ही देता हूँ. तो भारत मंडपम पता होगा, G20 का समिट हुआ था 9 तारीख को, 9 सितंबर को. तो भारत मंडपम के बाद अब बना है यशोभूमि, दिल्ली में. दिल्ली के अंदर ही बना है. पता है मेरे को ये चीज़ पता चली कि इंडिया के अंदर आज तक कोई भी सरकारी कन्वेंशन सेंटर था ही नहीं, सब प्राइवेट थे. अगर प्राइवेट थे भी, जैसे जियो के थे, ऐसी बात नहीं है, पर वो सरकारी तो नहीं थे. बट ये सरकार के खुद के वो बने सेंटर, कमर्शियल सेंटर. इट्स काइंड ऑफ प्रगति मैदान एक एग्जीबिशन सेंटर था, कन्वेंशनल सेंटर नहीं था. प्रगति मैदान पे एग्जीबिशंस लगा करती थी, पर कन्वेंशनल सेंटर अलग बात होती है जिसमें मीटिंग हो बड़े बड़े लेवल की और की. तो ठीक है, अब यशोभूमि बने दिल्ली में, द्वारका में, जिस तक जाने के लिए आपको बस भी मिल जाएगी, मेट्रो भी मिल जाएगी. ट्रेन तो अलग लाइन बिछानी पड़ेगी, मेट्रो जा रही है वो भी बहुत है. यस, उसका तो अलग से रास्ता भी अलग ही बनाया हुआ है एक्सप्रेस वे पे. तो दैट इज़ द नॉलेजफुल पार्ट ऑफ आवर वीडियो. सो वी शुड कंटिन्यू विद द कंटेंट विच वी आर फेमस फॉर. आज हम आए हैं एक नए पैकेट के साथ, है ना, बड़ा सारा. वीडियो में भी पूरा नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा. थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं. अब आ रहा है. आज हमने मंगवाया अमेजोन से एक और नया पैकेज. एंड व्हाट डज इट कंटेन, काट के देखते हैं. यार इससे पहले अपन ने बड़ा क्या मंगवाया था? हाँ ठीक है, वो जैकेट. अब ये नहीं पता वो जैकेट पहले रिलीज होएगी या ये रिलीज होएगा, पर जो भी रिलीज हो. यार ये चक्कू सही में काम नहीं कर रहा, कागज पे भी काम नहीं कर रहा. हमने मंगवाया है मेड इन इंडिया. देख रहे हो यहाँ पे लोगो, देख रहे हैं मेड इन इंडिया का लोगो. टैबलीटो कंपनी का बैग, 399 ग्राम्स. ओके, पूरा 400 ग्राम भी नहीं है. एमआरपी है 1999, है 1999 का. हमने मंगवाया ये 30 लीटर वाला. एंड अच्छा दिल्ली का ही बना हुआ है. तो टैबलीटो कंपनी का ये बैग किस किस काम आता है? ये स्कूल बैग भी है और वाटर रिपेलेंट है. ठीक है, 25 लीटर. हमने 30 लीटर नहीं ऑर्डर किया होता, बट वी हैव रिसीव 25 लीटर. पता नहीं कैसे. 15.6 इंच, ये 15.6 इंच उस चीज़ के लिए कि 15.6 इंच तक का लैपटॉप इसमें आ सकता है. तो मतलब मेरे वाला लैपटॉप इसके अंदर आ सकता है. 15.6 इंच भी बहुत हो जाता है यार. नाउ कॉलेज बैग है, लैपटॉप बैग है, ऑफिस बैग है, मेंस के लिए है, गर्ल्स के लिए भी है, मेंस वुमेंस दोनों के लिए है. व्हाट्स द डिफरेंस? सही गाना ब्रो, क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल सही. कोई भी ले जाओ, इस्तेमाल कर ही सकते हैं ना, हम नहीं कर सकते ना. ये चीज़ तो है, आदमियों की चीज़ औरतें आसानी से इस्तेमाल कर सकती है, पर औरतों की चीज़ें आदमी नहीं इस्तेमाल कर सकते. हमने 25 लीटर वाला मंगवाया. तो मेजर चीज़ जो है वो चेक करनी थी, इसकी क्वालिटी. हमने पहले भी बैग मंगवाया हुआ था ना, हाँ 4 शेड इनका मंगवाया था. एंड भैया ने ले लिया एक और दोस्त के भाई ने ले लिया. ठीक है, कोई नहीं, हो गया. चाहिए था, दे दिया, हमें दे दिया. नाउ अब हमने आज मैंने मेरे लिए मंगवाया एक्चुअली, अब की बारी है, बाकी देखते हैं क्योंकि मेरे बैग्स पे हमेशा कब्जा मेरे बड़े भैया का हो ही जाता है कैसे ना कैसे करके। मुझे समझ में नहीं आता कैसे इतने बैग का वो करेंगे क्या, तो चलो कोई बात नहीं, ये राज उन्हीं के साथ रहने दे तो अच्छा है। लेट्स सी। अच्छा इसके अंदर दो चैन यहाँ है, एक चैन यहाँ है एंड साइडों के अंदर ये पॉकेट्स हैं। ओके ओके, साइडों में ये पॉकेट्स होगी एंड यहाँ पे ये देख रहे हो रेक्सन का वो है, कोट है, और ये वाला भी मटेरियल तो अच्छा है। लेट्स ओपन दिस। फालतू बात नहीं करते आप इसके बारे में, इसके सारे चैन खोलते हैं। तो एक एंड ये तीसरी, पहले तो इसके नीचे देख के कोई रेनकोट वाला, इसके नीचे रेनकोट का तो कोई वो दे नहीं रखा, वैसे कंपनी ने क्लेम दे रखा कि ये वाटर प्रूफ है। लेट्स सी फ्रॉम द इनसाइड। पहले देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ पे एक छोटी सी पॉकेट दे रखी है, सारा अंदर से मटेरियल छतरी वाले कपड़े जैसा सा है एंड यहाँ पे ये फोम डला हुआ है, ऊपर से रेक्सन की सी कोटिंग है। नाउ अंदर ये वाली पॉकेट, इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर पेन वाले, डायरी, पैसे वैसे रखने के लिए। वैसे ये वाली पॉकेट्स मेरे बहुत काम आती थी, मेरा पहले बैग जो था ना उसके अंदर मैं यहाँ पे चेंज रखा करता था, हाँ मंदिर से लाता था। हे, 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 हे। तो और नीचे की तरफ नाइस हार्ड ग्रिप है और चौड़ाई पूरी है भाई, गजब। गहराई भी पूरी है, यस। 15.6 इंच लैपटॉप के लिए तो ये बहुत है यार, है ना। बाकी अब हम बात करते हैं इसकी ओवरऑल हमें कैसा लगा। भाई मुझे मटेरियल क्वालिटी अच्छी लगी, देखने में भी सुंदर है बैग। एंड भाई ये टैबलिटो ब्रांड मैंने पहली बार ही मंगवाया। मैंने ये एक्चुअली क्यों मंगवाया, ये मेरे को थोड़ा सा ऑफिशियल यूज़ का सा बैग चाहिए था कोई, जो देखने में एक मतलब बॉयज़ तो है पर थोड़ा सा लुक अलग सा है। तो मैं जब सर्च कर रहा था तो मुझे ये मिला और रेट भी सही है, रेट सही लगा तो मंगवा के देखा एंड मंगवाया। तो वट वी कैन से, इट्स काइंड ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट। सही है, मेरे को तो ठीक ही लगा। ठीक ही लगा? क्या कमी लगी? कमी कुछ नहीं, वैसे मुझे क्वालिटी सही लगी इसकी, बिल्ड अच्छी है, मजबूत है। यहाँ से भी ये सारा यूँ लगता है जैसे ऊपर का कपड़ा सारा हार्ड सा नहीं होता, वैसे सा है। बाकी वाटर प्रूफ के लिए तो भाई इस पर पानी डाल लूँगा, देखेंगे डालें बेड गिल्ला हो जाएगा वो तो ना हो, अगर इसमें से लीक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, दोनों पिटेंगे, मैं तेरा नाम ले लूँगा। तो आई गेस इतना ही बहुत है ना। हमने अनबॉक्सिंग कर दी, हमने प्रोडक्ट दिखा दिया, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, जैसे इसके अंदर लैपटॉप के लिए स्पेसिफिक जगह है और उसके ऊपर का एरिया भी पैडेड है ताकि जोर ना पड़े लैपटॉप के ऊपर किसी चीज़ से। एंड 15.6 इंच के लैपटॉप के हिसाब से प्रॉपर साइज़ है और मल्टी पॉकेट्स होगी, ऊपर भी पॉकेट, यहाँ पे भी पॉकेट। ये तो तीसरी तो है ही मेजर चेन। इसके अंदर पेन होल्डर, चेंज होल्डर या डॉक्यूमेंट होल्डर, डायरी होल्डर वैसी सी जगह है। और द क्वालिटीज़ वाटरप्रूफ है। हमने ये ख़रीदा है 599 के अराउंड और करंट में पता नहीं कितने का चल रहा हुआ है, डो नॉट नो। वैसे कंपनी ने इसके एमआरपी दे रखे 2000, 25 लीटर के हिसाब से ज़्यादा महंगा नहीं है, पर मे बी क्वालिटी के हिसाब से मांग रहे हो, क्या कह सकते हैं, है ना। सो दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। वी होप वी हैव गिवन यू द परफेक्ट थिंग्स, गिवन यू परफेक्ट नॉलेज अबाउट दिस ब्रांड एंड इट्स बैग्स। That's it from our side for today. Thank you so much for watching us. Have a good day. Enjoy. Enjoy. Enjoy.